दिल को छू ले जाने वाली फिल्म बबली बाउंसर आप लोगों को जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी मुझे तो बहुत ही यूनिक लगी। मैंने बबली बाउंसर मतलब ये जो बाउंसर शब्द है इसका मतलब खोजने की कोशिश की हिंदी मीनिंग, तो उसका मतलब वही बाउंसर ही दिखा है। फिर मैंने सर्च किया लेडी बाउंसर, तो लेडी बाउंसर का मतलब महिला बाउंसर दिखा रहा था, तो हम लोग बाउंसर का मतलब तो एक ही जानते थे, वो जो बस बॉल आई ऊपर चली गई वही बाउंसर होता है। तो लेकिन ये जो पब में काम करने वाले लोग होते हैं, ये जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं जो पब की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ताकि झगड़ा वगैरह ना हो, तो उनको बाउंसर बोलते हैं। तो अपन ये सीधा मान लेते हैं जो वेटर होते हैं वो वेटर होते हैं, लेकिन जो खड़े होते हैं और थोड़ा बाड़ी बाड़ी बना के मतलब बॉडी गार्ड है वो टाइप का, तो उस अगर वो पब में काम कर रहे हैं तो वो बाउंसर है। अपन यही अंदर लगा लेते हैं भाई आइडिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इसमें जो है बबली का जो करेक्टर होता है वो बहुत ही कम हल्का होता है। इसमें बबली जो है वो पहलवान होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खाना खाती है, फिर डकार मारती है और फिर क्या करती है एकदम चिल रहती है, मज़े में रहती है। और ये 10वीं फेल है, वो भी 5 बार पास भी नहीं कर पाती है। और फिर एक पार्टी में इसकी मैथ के टीचर के लड़के से इसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और जो लड़का होता है दिल्ली में जॉब करता है, और ये जिस तरीके से ये गांव में मिलते हैं वो काफ़ी अलग तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिला, बहुत ही मज़ा आया वो सीन देख करके, आप भी देखना। और फिर ये क्या करती है जो है दिल्ली जाने के लिए ये क्या करती है, और दिल्ली जाने के बाद क्या क्या कांड करती है तरीके से ये अपने आप को मतलब चिल वे में दिखाती है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। करेक्टर को देख कर मैं इतना बता दूँ कि मुझे अपने स्कूल वाले लाइफ से एकदम ट्रूली कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं जो है कॉलेज लाइफ में हूँ तो थोड़ा बहुत सीरियस, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कम पाता हूँ। लेकिन जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे तो फिर पूरा मतलब पढ़ाई करते थे थोड़े बहुत, और फिर चिल बहुत ज़्यादा करते थे, बदमाशी करते थे, तो उस टाइप की फीलिंग जो है आ जाती है। तो मतलब वही अपने समझ लो बचपन बोल सकते हैं यार। अभी कुछ कोई कमेंट कर देगा भाई तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम बचपन बोल रहे हो, तो मैं इस तरीके से कहूँ ताकि कोई भाई कमेंट में ये ना बोले कि भाई तुम्हारी एज क्या है जो तुम बचपन बोल रहे हो। कह सकते हो बचपन ही चल रहा है। और ये मूवी आपको 1% भी बोर नहीं करती है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है, ये 100% आपको इंटरटेन करेगी और कुछ ऐसे भी आपको सीख दिलाएगी जो कि आपको भाई अभी हर किसी को ये लाइफ में अपनाना चाहिए। चीज़ें सबको पता होती है, बस एक क्या होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू में सबको वो चीज़ें भूल जाती हैं, एक रेफरेंस लेने की ज़रूरत होती है, याद करने की ज़रूरत होती है, तो हम बस उसी के लिए तो फिल्में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो ये चीज़ें काम करेंगी बिल्कुल। तो आप ये मूवी भाई बिल्कुल देख सकते हो और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी। इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो तमन्ना मैम के बारे में बात करना बिल्कुल भी बनता है। वैसे तो ये बड़ी हस्ती हैं तो मैं इनके बारे में बात क्या ही करूं। ये जो भी काम करती हैं कमाल की करती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है इन्होंने, तो ऑब्वियसली भाई ये जो भी करेंगे एकदम धमाल ही मचाएंगी, उसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बट भाई सल्यूट है मैम। तो फिलहाल मूवी तो मज़ेदार थी, आप लोग भी जाके देखो भाई और मज़े लो, संडे के मज़े लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। देखते हैं आगे क्या होता है। बाय।